Welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया. मेरा नाम है मिनाहिल. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं. उसका टाइटल है कश्मीरीज फाइट फॉर फूड रियल एंटरटेनमेंट टीवी शोएब चौधरी इन कश्मीर इंडिया पाक एलओसी बॉर्डर. और इनके चैनल का नेम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी. सो आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं. वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें. सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो. जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी. आज की ये वीडियो मेरे लिए खास तौर पे बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक दो दिन पहले मैं यहां पर आया था. कश्मीर का जो मजदूर अड्डा है, यहां पर मजदूरों की जो कंडीशन थी वो आप तक पहुँचाई थी. बहुत से लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर मजदूरी नहीं मिलती, हालात ख़राब हैं. तो मैंने वादा किया था कि जितना मुझसे हमारी टीम से हो सका उतना हम हेल्प करेंगे. तो आज हम यहाँ पर कुछ राशन का सामान लेकर आए हैं. 10-15 किलो का जो एक पैकेट है जिसके अंदर दाल, चीनी, आटा और जो ज़रूरियात अशिया हैं वो हम लेकर आए हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नो डाउट कि इतने को हेल्प से किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होगा. एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक हेल्प हो सकती है लेकिन परमानेंट ये कोई सलूशन नहीं है. लेकिन जितना हमसे हो सका हम करेंगे. अभी यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे और साथ राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. आप अंकल जी बात सुने आए, आप उस दिन इधर मौजूद थे. अस्सलाम वालेकुम. उस दिन भी जब हम आए थे आप यहाँ पे मौजूद थे, आपने बोला दिहाड़ी नहीं लगी. थोड़ा आगे आ जाएं, आपने बोला दिहाड़ी नहीं लगी. आज भी हम आए, ये टाइम क्या है, कितने बजे का टाइम है? तकरीबन घड़ी तो मेरे पास नहीं होगा, 3-3.30 बजे का टाइम. 3:30 बजे का टाइम है. आज भी नहीं मजदूरी मिली जी? आज जब आप हमारे पास आए थे ना उस वक्त से लेकर इस वक्त तक हमारी मजदूरी नहीं लगी. आप लोग जो यहाँ पे खड़े हैं आपको मजदूरी नहीं मिली या वैसे खड़े हैं अपनी मर्जी से? मजदूरी नहीं मिली. लोगों को आप लोग क्या को नहीं मिली है मजदूरी? आज हमें 10 दिन हो गए हैं मुतवातर इधर खड़े हैं, कोई काम का बिल. आज 10 दिन हो गए हैं, आज हमें 10वां दिन है, बिल्कुल ही एक दिहाड़ी नहीं लगा हमारा. चावल इधर आते हैं खाने के लिए, बस वो ही मिलते हैं, वो भी कोई दे जाता है. आप आए क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह? नहीं हो गए, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कोई बिल्कुल मजदूरी नहीं है यहाँ पर, मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं है. 3 महीने से क्या वजह है यहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट नहीं आ रहे? नहीं कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल ही नहीं रहा, नहीं कोई हमें यहाँ से आके लेके जा रहा है. बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा. 6 माह हो गए, 6 माह हो गए ना, फर्ज से मजबूर है लोगों को. अच्छा दूसरी बात है, ये जो गवर्नमेंट का आटा आ रहा है ये यहाँ किसी दुकानों पे ले रहा है लेकिन ये हमें नहीं मिलता, ये मजदूरों का हक है. ये लोग भेजते हैं बारो बार सप्लाई करते हैं, उधर से धक्के हमें धक्के मारते हैं, धक्के मारते हैं और बाहर निकालते हैं हमें. तो वहाँ पर ये बताया जाता है, मैं लाहौर से आया हूँ आपको पता ही होगा, हमें लाहौर में ये बताया जाता है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हर मुश्किल वक्त में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. तो यहाँ पर तो आप कह रहे हैं मजदूरी नहीं मिल रही? नहीं भाई, यहाँ पर मजदूरी का नाम ही नहीं है. क्या कहते हैं गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही? नहीं कर रही, बिल्कुल गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही. क्या इधर जुल्म हो रहा है, कोई कश्मीरी के साथ तावन नहीं कर रहा है. जो आटा गरीब मजदूरों को आता वो ब्लैक हो रहा है ना, आप इस वक्त इधर ब्लैक हो रहा है. तो 1100 रुपये 1100 रुपये दुकानदार ले रहा है, वो दुकानदार ले के ना 1700-1800 रुपये की गुत्थी बेच रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है ना. गरीबों से ना शनाती कार्ड लेते हैं, फोटोशेटर लगाते हैं और काम ब्लैक आटा बेचते हैं, धक्के मार के बाहर निकालते हैं. जाओ भाई नहीं है आटा, जाओ. बहुत परेशान. आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या? मेरी उम्र ना 57 साल उम्र है, मैं बेरोजगार हूँ. ठीक है, 57 साल का 57 ईयर का ये कश्मीरी है, आंखों में इसके आंसू हैं. और फिर हम बाद में ये कहें कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, बर्मा में जुल्म हो रहा है, हम अपने यहाँ तो देख लें, अपने बलोचिस्तान सिंध में तो देख लें, अपने कश्मीर में तो देख लें. ये मेरे भाई हैं, ये सब मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं. जी क्या जी, हम गवर्नमेंट इंतजामियों को मंद को चाहते हैं, खास कर के मजदूर तबके का, वो लेबर जो तबका है इनका खास जरूरी ख्याल करें. अच्छा, आप में से कोई मुहाजिर मतलब जो इंडिया साइड कश्मीर से आया हो, कोई ऐसा है जो वहाँ से आया हो या किसी के वहाँ पे रिश्तेदार हो, वहाँ पे मजदूरी मिल रही है? नहीं, वहाँ पे भी वाला कोई यहाँ पर आया नहीं है. क्या? नहीं नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो दूसरे साइड पे कश्मीर है, इंडिया साइड पे कश्मीर है, उधर मजदूरी मिल रही है, इससे बेहतर है या क्या सिचुएशन है? कोई तो बेहतर है कि वो उधर जुल्म ज्यादती तो लाजमी है, मगर मैं भाई तो कम है ना. आपको कैसे पता? ये हम टीवियों पे देख रहे हैं ना, टीवियों पे जब हम देखते हैं जुल्म ज्यादती तो लाजमी होती है, मैं भाई जो है ना वो कम है.
हाँ कमाई काम है इसलिए। वहाँ पे मजदूरी मिल रही है जो ये कह रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे मजदूरी मिल रही है? हाँ वहाँ पर मजदूरी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो महंगाई है, महंगाई ने बिल्कुल ही यानी कि हम लोगों को पीस के रख दिया है। हम लोग इससे तंग आ गए, महंगाई से तंग आ गए, मजदूर लोग अपने आप से तंग आ गए। बस आपको क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे क्यों मजदूरी मिल रही है? वहाँ पे तो हमें मीडिया पे दिखाया जाता है कि वहाँ जुल्म है, जहाँ जुल्म हो और साथ मजदूरी भी, रोटी भी मिल जाए, ऐसा कैसे है? देखें जी बात ये है, असल में वहाँ मैंने परसों भी आपसे ये बात की थी कि मुझे उस तरफ से कोई मुझे इलम नहीं है कि मजदूरी मिल रही है या नहीं मिल रही। बकाया जो रहा कि वो हमारे बहन भाई या सस्ता होने का, बहन भाई हैं, टीवी पे जो खबर आती है या हम सुनते हैं कहते हैं काफ़ी आता है कि यहाँ से उधर बेहतर हैं लोग, उधर बेहतर हैं। इधर मैं तमाम पाकिस्तान की मीडिया से, जो मेरे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इधर आएं, कश्मीर में आएं, कश्मीरियों की आवाज़ आगे लेकर जाएं। कश्मीर है तो अगर हम ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 75 साल से हम नारा लगा रहे हैं, हम करते कुछ नहीं हैं। मैं तो इस बात पे भी नहीं आता बनेगा नहीं बनेगा, मैं ये कहता हूँ बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, इंसान जो इंसान है उसे बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या वजह है कि आपको, हमें जो है यहाँ पे कभी मजहब के नाम पे लड़ा दिया जाता है, कभी हमें ये बता दिया जाता है जुल्म हो रहा है, जुल्म ये हो रहा है, वो हो रहा है, कभी कश्मीर के नाम पे 75 साल से हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं हो रही, रोजी नहीं मिल रही, रोटी नहीं मिल रही, क्या वजह? यहाँ पर बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर तो यानी कि बहुत ही किस्म की ज्यादा हो रही है। ये मतलब मजदूर तबका पे तो खास कर यानी कि इसके साथ तो बहुत ही जुल्म हो रहा है। ये लोग यहाँ पर भूखे बैठे बैठे गांव मुड़ के घर पे जाते हैं। कश्मीर की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो, कोई मैसेज भेजना चाहते हो आप एज ए कश्मीरी? हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट इंतजामियों को, मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ जो ये महंगाई का जो जुल्म शदत हो रहा है और जो आवाम है ये बिल्कुल आपने आपसे बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इधर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भूख से मार गए कोई गवर्नमेंट की, कश्मीर की गवर्नमेंट इन लोगों की कोई फाजिल कार्यक्रम देख नहीं पा रही, किसी किसी किस्म की नहीं। ये लोग सुबह 6 बजे आगे अड्डे में चौक में खड़े होते हैं, रात 7-8 बजे जाते हैं, कोई काम नहीं मिलता ना। किसी और से बात करते हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे? हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा देखभाल करें, हमें जो है न इस चीज़ से आकर हमें देखें कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो कश्मीर के बारे में सोचने नहीं है, वो अपने कश्मीर के बारे में नहीं सोच रहे। हम तो वहाँ पे कश्मीर डे मनाते हैं, हम तो वहाँ पे कश्मीर का नारा, आप वो लोग तो आप अपने लिए लगाते हैं ना नाम कश्मीर का, खाना कोई ये बहुत कुछ किया है, वो तो मैंने अपने तौर पे किया है या हमारी टीम ने की है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। हम तो वहाँ पे कहते हैं हम कश्मीरियों के लिए अपना खून भी दे सकते हैं, तो ये खून क्या, हम तो रोटी नहीं दे रहे, यहाँ पर रोटी नहीं मिल रही तो खून क्या रहे, ये खून हमारा छीन रहे, नारा तो लगा रहे मगर खून हमारा छीन रहे इसमें तो। मजीद जो लोग हैं उनसे थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद ये जितना भी मेरे से मुमकिन है ये राशन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और मजीद जो मुमकिन हुआ आने वाले टाइम में मजीद हेल्प करूंगा, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के अदारों से, एनजीओज, पाकिस्तान की एनजीओज हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत एनजीओज हैं जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जो बेसिक नीड्स की बात करते हैं, जो ये कहते हैं बुनियादी हकूक मिलना चाहिए, खुराक मिलनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफ़ा यहाँ पर आएँ। ये अभी मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, ये मुजफ्फराबाद है जो कि कश्मीर का मेन एरिया है, कैपिटल ऑफ कश्मीर है, वहाँ पर ये सिचुएशन है। आप किसी देहात में जाएंगे कश्मीर के, आप कौन कौन से बैकवर्ड देहात कौन से हैं यहाँ पे नज़दीक, कौन से? सेरी तरह जिला मुजफ्फराबाद आ गया, उसके बाद चुटकियाँ, नीला दंदी, तो वहाँ पे जॉब मिलती होगी या मजदूरी मिल, इधर नहीं मिल रही वहाँ इस साइड पर नहीं मिल रही मजदूरी, तो उधर किधर मिलेगी मजदूरी? कहना चाहेंगे आप? दानी, उसके बाद देवलियाँ, अपना पंजगरा, जबार, उधर मजदूरी मिल का, उधर कोई मजदूरी नहीं है, और मजदूरी के लिए हम लोग इधर आते हैं, इधर आके वहाँ हमको 10 दिन हो गए, इधर पहले 10 दिन आए, 10 दिन में एक दिन लगाया खड़ा रहे, आज 10 दिन हो गए मुतवातर कोई काम नहीं है। हम तंग आके हुकूमत को अपील करते हैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट को जिसमें ये हम गरीब लोगों का रिजक लग जाए, तो इधर बैठ बैठ के मीडिया वालों को भी रिक्वेस्ट करते हैं, बैठ बैठ के तंग आ जाते हैं, फिर शाम को जाके बंदरगाह खाना में सोते हैं, फिर सुबह वैसे कोई भूखे आके बैठ जाते हैं, कोई किस हालत में बैठ जाते हैं, बस ऐसे ही
गुजारा कर रहे हैं, कुछ चावल मिलते हैं कभी मिलते हैं कभी। वो लड़ाई चाहिए या अमन चाहिए, क्या क्या चाहिए? लड़ाई चाहिए या अमन चाहिए? अमन चाहिए। रोटी चाहिए या दुश्मनी चाहिए? रोटी चाहिए। रोटी चाहिए, दुश्मनी नहीं चाहिए। चाहिए ऐसे ही है। यहाँ पे जो लोग हैं कुछ उनको मैं राशन थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, जिसके अंदर मैं दिखाता हूँ कि ये थोड़ी सी चीज़ें जितना मेरे से अगर कैमरामैन दिखाना चाहें तो ठीक है कि ये जितना मेरे से हो सकता है। इसके अंदर घी है, आटा है, चीनी है, दालें वगैरह मौजूद है। 14-15 किलो का ये पैक है। फैमिली के लिए तकरीबन एक हफ्ते का राशन है। ये हम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें अभी जाहरी बात है जितना मैं कर सकता था उतना कर रहा हूँ। जितना राशन लाया हूँ नो डाउट जितनी यहाँ पे लोग जितने मजदूर मौजूद हैं उनकी हेल्प मैं नहीं कर सकता साथी। इसीलिए यहाँ पर हमने जो पुलिस है उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी हेल्प करें। ये देखिए अभी यहाँ पर खून मजदूरी के लिए आया, ये सिचुएशन है। और हम कहते हैं हम जो उनसे कश्मीरियों के लिए खून देने को तैयार हैं, यहाँ पर इनका खून निकल रहा है। ठीक है, अभी आप नाम लें और बस इस तरीके से आए। और ये कमर जमान कौन है? कमर जमान आ जाए, ये लें, आप पकड़े, आप ले जाएं। और ये मैं आपको बताता चलूं, आपको ये बताता चलूं, मेरे भाई थोड़ा साइड पे हो जाएं, कि ये जो आपकी हेल्प कर रहे हैं ये हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, ये आपका ही हक है। ठीक है, ये आपका गिफ्ट है। थोड़ा सा मौका अगला। नेक्स्ट मोहम्मद असलम कौन है? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राशन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि शायद सबसे बड़ा मजहब जो उनसे है ना वो ये पेट है, भूख सबसे बड़ा मजहब है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्हें ये जैसे अभी कैमरे का जब ऑन हुआ है तो ये थोड़ा मदम हुए हैं, स्लो हुए हैं, अदरवाइज यहाँ पे ये राशन फाड़ा जा रहा है, डब्बे फाड़े जा रहे हैं इस तरीके से। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कश्मीर की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा अभी आपके साथ हैं, इनको अपने साथ जोड़ी रखें। ये अभी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो भी फैसला होता है कश्मीर का एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जब होगा तब की बात है, लेकिन जब तक ये आपके साथ है तब तक इनका ख्याल करें। कोशिश करते हैं। आए जी, लाइन में जो आएगा उसे मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। आज जो खड़ा लाइन में आएगा वो मिले। चले एक मिनट, आप देख सकते हैं किस तरीके से जी। चले दे दें, ये आपका कार्ड है, उठाएं ले। अच्छा, ये सिचुएशन है जी। एक मिनट, लाइन के साथ मेहरबानी करें, ये आप उठाएं। ठीक है, बस यहाँ पे ये देख लें जी, ये सिचुएशन है कि मेरी समझ में, बस रोक दें, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किस तरीके से यहाँ पर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करूं, किस तरीके से, मुझे नहीं समझ आ रहा। यकीन माने रोना आ रहा है और मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म इस चीज़ पे आ रही है कि क्या यहाँ पे मैं किसी को रोकूंगा कि आपको राशन मिल सकता है, आपको राशन नहीं मिल सकता। मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए। और ये मेन जो एरिया है कश्मीर का, ये वो एरिया है यहाँ पर, ये सिचुएशन है। और अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में जाएंगे जो सिचुएशन होगी आज़ाद कश्मीर की, ये हमारा आज़ाद कश्मीर है। अभी हम बात करते हैं जुल्म की, कहाँ कहाँ की, मैं नाम लूँगा तो फिर बुरा लगेगा, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया वालों से, रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि इनको रोटी पर ये लड़ रहे हैं, जहाँ पे इन्हें डेवलपमेंट के नाम पे लड़ना चाहिए था, यहाँ पर इन्हें पूरी नहीं मिल रही, भूखे मार रहे हैं, बच्चे हमारे भूखे मार रहे हैं। हम 800 रुपया किराया लगा के यहाँ आए, मीनाएदरी पड़े रहे और हमें कोई खाने के लिए बस चावल मिलते हैं थोड़े से, उससे तो पेट नहीं पाला जाता। हमारे 6 आदमी पीछे खाने वाले हैं। आप क्या फील कर रहे हैं, ये आपको मिला है 2-4 दिन? दो चार दिन मिलेगा, होगा कोई ना कोई, लेकिन महंगा है, पीछे जाएंगे किराया लगेगा अभी उधर इधर का काम। कोई रोना नहीं, देखे ये अच्छे दिन आएंगे। आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन देनी है, आपने ये लड़ाई से लड़ाई करने के लिए हमारी तो जान ही नहीं है ना, हमें तो नीचे घसीटा जा रहा है। बड़े बड़े लोग आते हैं, नीचे घसीटा है आपके सामने, अभी आपने कार्टन दिया है, अभी नीचे इधर जाओ उधर जाओ उधर, क्या है गरीब का, क्या है गरीब तो वैसे ही रो रहा है। हाँ यही बात है भाई साहब, बहुत मेहरबानी है आपकी, आपने हमारा हेल्प किया, अल्लाह आपको हेमंत दे, हम आपके लिए दुआएं करेंगे, हमारे बच्चे दुआएं करेंगे। लड़खड़ाती हुई आवाज़ देख सकते हैं, आंखों में आंसू देख सकते हैं, कैसा फील हो रहा है? ये छोटा सा गिफ्ट आपको मिला, मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आपने जो हमारे साथ इतना तावन किया इसका बहुत शुक्रिया आपका। ठीक हो गया, और हमारे साथ गवर्नमेंट ने कोई तावन नहीं किया है। मैं रजाकार हूँ, मुझे नहीं मिला अभी, बड़ी अफसोस है। मैं अपने, हम अपने, मेरे भी 6 बच्चे हैं,
मगर ये बांट कर देना, बांट का भी देना, एक बंदे को काट ना दें फिर के देखें। मैं आया था कि 10-15 लोगों को हम राशन दे सकें, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सी एनजीओज ऐसी हैं जो काम कर रही हैं ह्यूमन राइट के लिए, वो यहाँ पर आए। मैं दोबारा से वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, कोशिश करूंगा कि दोबारा यहाँ पर आऊँ, दोबारा यहाँ पर लोगों की हेल्प करूँ, ना सिर्फ इधर, पूरे पाकिस्तान में, पूरे कश्मीर में जितना मुझसे हो मैं सबकी हेल्प करूँ, मैं सबको बेहतरी की तरफ लेकर जाऊँ। और रिक्वेस्ट करता हूँ यूट्यूबर्स को, रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया वालों को कि आप भी आए, आपको थंबनेल कॉपी करना आता है, आपको टाइटल कॉपी करना आता है, आपको ये काम भी कॉपी करना आना चाहिए। जैसे आपको इल्जाम लगाना आता है, वैसे आपको पॉजिटिव चीज को भी कॉपी करना आना चाहिए। जी क्या क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इधर मजदूर जो बाहर के उनका कोई हक नहीं है? बाहर के मजदूर हम खड़े यहाँ पे सुबह से, मैं तो ये बात ही नहीं करता। गाड़ियां करने में तो हमारा और कोई जरिया ही नहीं है, इनको अगर जड़ी नहीं मिली घर, तो इनका नजदीक है, इधर घर चले जाते, खा लेते, कल का खा लेते, हम क्या करें? से मैं 100% एग्री करता हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ये मैं किसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, मैं अपने तौर आपने तरफ से जितना कर सकूंगा उतना ही करूंगा। इतने तो आपसे शिकवा कर रहे हैं कि आप हम गरीबों को धक्के दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनके मैं आपके इस शिकवे की रिस्पेक्ट करता हूं और आपसे वादा करता हूं नेक्स्ट टाइम आऊंगा। अभी अगर 10-15 लोगों को दिया तो कम से कम अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो अगली दफा यहां पर जितने भी लेबर होगी 100 की होगी 150 की होगी सबको मैं हेल्प करके जाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ, कोशिश करूंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, और हम जितना कर सकते हैं हमने उतना किया। मुझे बुरा लगता है, जाहिर बात है, अगर 10 लोगों को मिला है, 7, 20, 30 को नहीं मिला वो क्या फील करेंगे, लेकिन जितना कर सका उतना किया है, जितना होर होगा मजीद होगा। मैं, मेरे दोस्त जो मेरे साथ मिलके तावुन कर रहे हैं वो तावुन करेंगे, हम मजीद हेल्प करेंगे। इसके अलावा लास्ट में मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने हमारे साथ तावुन किया, ट्रैफिक पुलिस ने हमारे साथ तावुन किया, अदरवाइज हम ये जो कोशिश है या जो थोड़ी सी हेल्प है ये शायद ना कर पाते। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत आपने इधर आए, आपने इनकी हेल्प की, बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आए इधर तो इनकी हेल्प करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, यहाँ की जो पुलिस है उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट जी अदाकार हूँ, मैंने दुनिया को दिखा रहे हैं, तो ये क्या देते हैं आप यहाँ, ये तो फैसला गलत है ना। क्या कहना चाहिए? लोगों के पास नहीं खाने के लिए एक टाइम का नहीं है, तो आप ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, किसने दिखा रहे हैं? जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। अच्छा, हम भी अपने क्या हमारा हक नहीं है? अच्छा जी, आपको ये गुस्सा है कि आपको नहीं मिला अभी? आपको नहीं, हमें तो हम सबको मिलना चाहिए तो सबने मेरे कैसे को नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, इसलिए मैं आपसे फिर भी माजरत करता हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये मैं अपना एक ठीक है। तो देखें, उनका गिला अपनी जगह जायज है कि सबको मिलना चाहिए, और दूसरी रीजन कि कैमरे के आगे क्यों हेल्प की जा रही है ये भी एक सोचने वाली बात है। उसके अंदर रीजन ये है कि बहुत से लोग हमें कॉपी करते हैं, या जो बेहतर करता है उसे कॉपी करते हैं, तो इसलिए शायद हमें देखकर ये कोई और भी लोग हेल्प के लिए आए। बेहतर है या नहीं है? बेहतर, क्या कहना चाहिए? बेहतर है कि नहीं? बेहतर। आपकी कोई ऐसा डिसरिस्पेक्ट, मतलब इज्जत तो नहीं खराब की गई? नहीं नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमारे साथ हेल्प किया है बहुत। और अपनी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी हेल्प की है, यहाँ के मुकामी भी हैं और इस तरीके से इन्होंने हेल्प की है, कैमरे के पीछे जो मेरी टीम है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो कैमरे पे नहीं आना चाहते। इसी तरीके से हम अपनी टीम भी बढ़ाएंगे, अपनी कोशिश भी बढ़ाएंगे, कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया तक जहाँ से हम हेल्प कर सके हम जरूर हेल्प करेंगे अपने तौर पे। और कुछ लोग ये सोचेंगे कि तुम क्या कर सकते हो अकेले, मैं ये कहता हूँ इंसान का विजन होना चाहिए, इंसान की पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर मैं कर सकता हूँ तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? कश्मीर की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, या यूनाइटेड नेशन हो, वो ये फैसले क्यों नहीं कर सकती? सवालिया निशान है। इसी पर वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में जरूर बताना है। मजीद बेहतर से बेहतरीन वीडियोज के साथ, टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगे। तब के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। सो वीडियो हमने वॉच की। अच्छा, सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूंगी ना वो ये कि अच्छी कोशिश थी इनकी, और इतनी महंगाई के दौर में, मतलब अभी तो पाकिस्तान में जो महंगाई है ना वो आसमान को छू रही है, और अपना गुजारा करना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी और के लिए इंसान सोचता है तो वो बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से भी इनकी मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा हेल्प करनी चाहिए अगर ये ऐसा एम रखते हैं तो ये बाकी ताकि लोगों, लेकिन अक्सर देखने में ये भी आया कि जब हमारे पास कम होता है हम दूसरों की मदद करते हैं ना तो वो हम अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन जब हमारे पास ज्यादा आ जाता है ना तो हमारे अंदर हविस भी आ जाती है, तो वो फिर हम कहते हैं कि यार जहाँ इतना 10 लोगों को देना है वहां 8 लोगों को दे देते हैं, बाकी थोड़ा खुद रख लेते हैं। लेकिन एनीवेज भी जिनको अल्लाह ताला देता है वो दूसरों की मदद भी करें, नियत पे शक नहीं करना। और दूसरी मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी इनकी,
कि मतलब ये खुद एक स्टूडेंट है ना, उन्होंने मतलब कोई ऐसा कोई उनका कोई बस एक ये चैनल जो है वो रन कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट है, तो फिर भी इतने लोगों को इतनी महंगाई में 10-12 लोगों को देना बड़ी बात है। और जैसे वो कह रहे थे कि अगर मैं ये दिखा रहा हूँ कैमरे पे तो सिर्फ ये नहीं है कि शो ऑफ के लिए नहीं है कि जी मैं बहुत लोगों को राशन तकसीम कर रहा हूँ, तो ये इसलिए भी है कि अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो वैसे भी लोग जो है इन लोगों को फॉलो करते हैं, अगर कोई हेल्प करना चाहता है इसलिए भी है, और इसलिए भी है ताकि कंसर्न जो अदारे हैं जो गवर्नमेंट है कुछ शर्म आए, हाँ कुछ होश के नाखून लें कि भाई वाकई सही बात है, डिस्प्यूटेड अगर कोई जगह है तो हम उसको यूं छोड़ तो नहीं सकते ना कि जब तक उसका मामला क्लियर नहीं होता हम उसको लेट गो कर दें, ऐसे तो नहीं कर सकते। वहां पे भी जैसे कि अभी मोदी जी की गवर्नमेंट में कितने सारे प्रोजेक्ट वहां पर इंडिया में अभी अभी कश्मीर में हुए हैं, अगर यही मतलब जो पाकिस्तान की साइड के कश्मीर है कश्मीरी लोग हैं जब ये देखें, अगर इनको पता चले कि इंडिया के साइड के जो कश्मीरी हैं उनके लिए कितनी फैसिलिटीज वहां की गवर्नमेंट ने की है, तो ये एक सेकंड भी इधर आना पसंद नहीं करेंगे, ये भी यही चाहेंगे कि जो आधा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के साथ है वो भी मुकम्मल इंडिया की तरफ ही हो जाए, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने जो है वहां के लोगों को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट की है। फिर वाकई वही बात आ जाती है, हम लोग नारे लगाते हैं हम लोग योम सियाह मनाते हैं, कश्मीर मनाना है, वो वाली बात मतलब हम हर किसी से भी हमारा हमारी अगर किसी भी मतलब फॉरेनर कंट्री मतलब बाहर के मुल्क के किसी भी वजीर के साथ या किसी भी बंदे के साथ हमारी मुलाकात होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर की या किसी की भी, तो हम बात करते हैं कश्मीर के ऊपर, हम बात करते हैं जी हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, और तो हमारी कोई बात होती नहीं है। और वो कौन सा कश्मीर, बस हमने कश्मीर क्या करना है लेके इतने सारे, पहले इनको तो अच्छे से सर्व कर लो, पहले इनकी तो रोटी पूरी हो जाए, और लोगों को आपने अपने साथ मिला के करना तो करना तो करना क्या, मुझे ये वो भी समझ आ रहा है। उनका भी यही होगा जो बेचारे दुहाइयां दे रहे होंगे, वो भी रोएंगे पाकिस्तान में आके, हाँ कितनी पहली बात ये कि इम्पॉसिबल है, हाँ हो ही नहीं, हाँ और वो लोग खुद भी जब उनको वहां पे इतनी सहूलियात मिल रही है तो वहां के मुझे नहीं लगता कि लोग कभी भी चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ मिले, वही वाली बात होगी जब इन लोगों को भी पता चलेगा कि वहाँ के लोगों को इतनी सहूलियात मिली है तो ये लोग भी यहाँ पे कभी रहना पसंद नहीं करेंगे, वो भी चाहेंगे कि हम उधर ही जाएं। लेकिन ये बात भी है कि अभी भी पाकिस्तान का भी कोई भी पाकिस्तान का इवेंट होता है, जैसे कोई नेशनल इवेंट पाकिस्तान का होता है तो वहां पर भी पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, और ये ऑन द रिकॉर्ड वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अभी भी उनका दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए वहां की कश्मीरियों का। हाँ मैंने देखी हैं बहुत सारी वीडियोस जारी बात है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वही उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये जो पेट है ना ये किसी मजहब को नहीं देखता, जब आपको आपकी भूख आपकी जरूरियात पूरी ना हो रही हो ना तो आपको कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती, आपकी बेसिक नीड्स ही ना पूरी हो रही हो तो फिर आपको हर चीज जो है वो बुरी लगती है, आप फिर उस तरह साइड पे जाते हो जहाँ पे आपकी जो है बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो रही हो, आपकी जरूरियात पूरी हो रही हो, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान। हाँ और दूसरा मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि इतनी शदीद महंगाई का ये दौर चल रहा है ना, और वाकई मैं भी अक्सर ये सोचती हूँ कि जो मजदूर तबका है हमारा वो किस तरह से सर्वाइव करता होगा, मतलब हम लोग ये कहते हैं कि जुलूस निकालने चाहिए हमें, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन बाकी सब लोग तो सुकून से आराम से खा रहे हैं, जिनकी मतलब जो लोग सही जॉब कर रहे हैं या कुछ ये कर रहे हैं वो लोग तो मतलब आराम से हैं, ठीक है उनके लिए भी महंगाई है, महंगाई ने सबको ही तोड़ के रख दिया, लेकिन जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करके डेली का कमा के खाते हैं, लाइक ये जो जितने भी लोग थे उनकी तरह पाकिस्तान के हर इलाके में इस तरह के मजदूर हैं, तो उनका बेचारों को क्या होता होगा, यार यही लोग जो है वो सबसे ज्यादा तकलीफ में है, तकलीफ फिर में भी है। बाकी लोग जो है फिर भी कुछ बेहतर है मतलब गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये जो मजदूर तबका है यही सबसे ज्यादा तकलीफ में है, और जब यही लोग एहतजाज के लिए आ जाएंगे तो इनको लाठी चार्ज के या शेलिंग की और कुछ भी नहीं मिलेगा, और इनकी जो पूरे दिन की दिहाड़ी है वो भी मारी जाएगी। हम इन्हीं लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये लोग निकलें, इन बेचारे जो मजदूर तबका ये अपना कैसे गुजारा कर पा रहे हैं, इतनी थोड़ी सी इनकम में आपका गुजारा करना जो है मुश्किल है, तो जब ये लोग एहतजाज करने आएंगे, अभी जैसे एक दो दिन पहले जो है वो पीटीआई वालों ने एहतजाज किया, वहां पे एक बंदा बेचारा जो है उसकी डेथ हो गई और उनको सिवाय लाठी चार्ज के और शेलिंग के जो है वो कुछ हासिल नहीं हुआ। नहीं तो मतलब कि ये बहुत सीरियस मैटर है, हंसने वाली बात है, लेकिन हमें हंसी ये आ रही है कि मतलब कि यार क्या पता नहीं क्या बनना है, कहाँ जाके ये महंगाई रुकनी है, और कब ये पाकिस्तान के हालात ठीक होने हैं, इसके ऊपर हमें मतलब वाकई लोगों के सामने तमाशा बन के रहे बहुत ज्यादा, बस ये अपने मफादात देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है कि अभी इलेक्शन की इन्होंने डेट जो है वो खत्म करने के लिए जो है कि इलेक्शन किसी तरीके से ना हो, तो बस महंगाई बढ़ाई जा रही है कि लोगों का ध्यान उस तरफ हो जाए, हम अपने काम जो है पूरी करते जाए, और इलेक्शन को जो है वो डिले पे जो है वो डिले करते जा रहे हैं, बस ये हमारी गवर्नमेंट का काम है और कुछ काम नहीं। तो ये थी हमारी आज की रिएक्शन वीडियो, होप सो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें,
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।